वो चिड़िया आज बहुत खुश थी क्योंकि आज बहुत समय बाद उसकी आस पूरी हुई थी। आज उसने एक अंडा दिया था। आज तो मेरे सारे सपने पूरे हो गए, मैं माँ बनने वाली हो गई। जब मेरे इस अंडे से बच्चा निकलेगा तो जीवन कितना अच्छा हो जाएगा। मैं अपने छोटे से बच्चे की हर इच्छा पूरी करूँगी, हम साथ खेला करेंगे। वो चिड़िया ऐसे खुश खुश बैठी हुई थी कि उस चिड़िया की सास और पति भी आ जाते हैं, जो किसी काम से दूसरे जंगल गए हुए थे। सुनिए जी, आज एक बहुत खुशी की बात बताना है मुझे आपको। बताओ बताओ रानो, क्या बात है? ये देखें, मैंने आज अंडा दिया है। बहू, ये तो सच में बड़ी खुशी की बात है, परंतु मेरी एक बात याद रखना, हमारे परिवार में पहला बेटा ही होता है। हमारी ये परंपरा बरसों से चली आ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे इस अंडे से बेटी निकल आए। माँ, आप क्यों चिंतित हो रही हो? इस अंडे से बेटा ही निकलेगा। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? बेटा या बेटी पक्षियों के अपने बस की बात थोड़ा होती है। बेटा हो या बेटी, मैं तो दोनों से एक जैसा ही प्यार करूंगी। चुप कर जाओ, आप कैसे माँ के सामने जबान चला रही हो? ये तो बातें ही मनहूस कर रही है, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर बेटी निकली इस अंडे से तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। अब खड़ी खड़ी हमारा मुँह क्या देख रही हो? जाओ और हमारे लिए खाने के लिए कुछ लाओ। फिर वो चिड़िया ऐसे अपना अंडा छोड़कर अपने पति और सास के लिए भोजन लेने चली जाती है। इसकी जबान बहुत लंबी हो गई है, देखा बेटा कैसे चूं चूं कर रही थी। माँ, मुझे भी इस बच्चे का इंतजार है, एक बार अंडे से बच्चा निकल आए फिर देखेंगे। वो चिड़िया नदी पर बैठी रो रही थी कि वहाँ कबूतर आ जाता है। चिड़िया बहन, आप क्यों रो रही हो, क्या हुआ है? कबूतर भैया, आपको तो पता है मैं कितने समय से संतान के लिए तरस रही थी, अब जाकर भगवान ने मुझे अंडा दिया है। तो चिड़िया, ये कौन सी रोने वाली बात है, ये तो खुशी की बात है। परंतु कबूतर भैया, मेरी सास और पति की इच्छा है कि मेरे अंडे से बेटा ही निकले, और मेरी सास कह रही थी कि अगर मेरे अंडे से बेटी निकली तो वो मुझे घर से निकाल देगी। चिड़िया, आप ज्यादा चिंतित ना हो, बेटी हो या बेटा, जब वो इस दुनिया में आएगा तो देखना, आपका पति और सास भी उससे प्यार करने लगेंगे, और बेटियां तो बेटों से ज्यादा प्यार लेती हैं। क्या भोजन मिल गया है आपको? नहीं कबूतर भैया, मैं तो अभी अभी आई थी। ये एक अमरूद है मेरे पास, मेरा तो पेट भर गया है, आप ये अमरूद लो और खुशी खुशी अपने घर जाओ। फिर ऐसे वो चिड़िया और कबूतर अपने अपने घर चले जाते हैं। वो रात को लेटे हुए थे कि रानो चिड़िया अपने पति से कहती है, आप भी माँ की बातों में आगे, माँ पुराने जमाने की बातें करती हैं, अब समाज बदल गया है, विचार बदल गए हैं, और बेटा और बेटी इस समाज में एक जैसे ही माने जाते हैं। वो कौन सा काम है जो बेटा करता है और बेटी नहीं कर सकती? परंतु रानो, आप जानती हो मैं माँ से बढ़कर कुछ नहीं कर सकता। मैं कब कह रही हूँ कि माँ से बढ़कर कुछ करो, आप माँ को समझा तो सकते हो, मेरी बात तो माँ सुनती ही नहीं है। भर लो कान मेरे बेटे के, मैं सब सुन रही हूँ, जो मन चाहे कर लो। मेरा बेटा मुझे छोड़कर तुम्हारी बात कभी नहीं मानेगा, मुझे विश्वास है अपने बेटे पर। माँ, मैंने कोई गलत बात तो नहीं की, ठीक ही तो कह रही हूँ। मुझे तो लग रहा है अब मुझे तुम्हारी ये जुबान काटना ही पड़ेगी। फिर वो चिड़िया खामोश हो जाती है और सो जाती है। फिर ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए, और फिर एक सुबह चिड़िया अपनी आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना करती है। ऐ भगवान, आप सब जानते हो मेरा और कोई भी नहीं इस दुनिया में, अगर मेरे अंडे से बेटी निकली तो मेरी सास मुझे घर से निकाल देगी। मुझे तो बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं, परंतु मैं मजबूर हूँ, आप मेरे इस अंडे से बेटा ही देना। वो चिड़िया ऐसे ही बैठी थी कि वो अंडा टूटता है और उस अंडे से दो बच्चे बाहर निकलते हैं। चिड़िया तो ये देख बहुत हैरान थी। मम्मा मम्मा, मेरी मम्मा, मैं आ गई। मम्मा, भाई ने मुझे बहुत तंग किया, सारी जगह पर लेटकर सोता था और मुझे अंडे में एक कोने में लगा कर रखता था। मम्मा मम्मा, ये बहुत शैतान है, जब मैं सोता था तो मेरी नाक में अपना पंख घुसा कर मुझे जगा देती थी।
वो चिड़िया तो खामोश थी, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। भगवान तेरा शुक्र है, आपने तो मुझे मेरी किसी नेकी का सिला दे दिया। मुझे वो दे दिया जिसकी मुझे तो सोच भी ना थी। आपने मुझे बेटा भी दे दिया और बेटी भी। मम्मा मम्मा मुझे भूख लगी है, मम्मा मुझे कुछ खाने को दे। और मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है। फिर ऐसे ही चिड़िया की सास और बेटा भी बाहर से आ जाते हैं। माँ माँ देखें, भगवान ने कैसे हमें खुशियाँ ही खुशियाँ दे दी हैं। हमारे अंडे से दो बच्चे निकले हैं, एक बेटी और एक बेटा। ये सुनकर तो उसकी सास बहुत खुश होती है। माँ कहती थी ना कि बेटा जरूर निकलेगा अंडे से। दादो दादो आपकी तो आवाज में रोज अंडे से सुना करती थी। दादो दादो जल्दी से मुझे कुछ खाने को दे। दादो मैं आपका पोता, मुझे भी भूख लगी हुई है। मेरा पोता तो कितना सुंदर है, ये लो मेरे पोते, मैं अंगूर लाई हूँ आपके लिए। फिर उसकी दादी उसे अंगूर खाने को देती है। और दादी माँ मेरे लिए क्या लाई हैं आप? तुम्हारा भोजन तो तुम्हारी माँ ही लाएगी। मैं नहीं बोलती आपसे, नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी। और मैं भोजन भी अपनी मम्मा से ही लेकर खा लूंगी। चलो ले लो, आज पहला दिन है तुम्हारा हमारे घर में, आप भी कुछ अंगूर खा लो। वो सब बहुत खुश थे। माँ मुझे तो बहुत प्यास लगी हुई है, मुझे नदी पर पानी पीने जाना है। आप बच्चों का ध्यान रखना, मैं पानी पी आऊँ। आकाश आप चलोगे मेरे साथ? हाँ मैं भी चलता हूँ। फिर वो दोनों नदी पर चले जाते हैं। वो नदी से ठंडा पानी पीते हैं और वहाँ कबूतर आ जाता है। कबूतर भैया आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे अंडे से दो बच्चे निकले हैं, एक बेटा और एक बेटी। ये तो बहुत खुशी की बात है, अब तो आपकी सास भी बहुत खुश होगी। माँ भी बहुत खुश हैं। दादो दादो जब मैं अंडे में थी तो आप मम्मा से कहा करती थी कि आपको पोता ही चाहिए। दादो अब देखें, मैं कोई कम सुंदर हूँ भाई से? दादो दादो जब हम दोनों बहन भाई बड़े हो जाएंगे तो आपके लिए अच्छे अच्छे भोजन लाया करेंगे। और मैं तो अपने दादो के पंखों में कंघी किया करूंगी और अपने दादो के पंख दबाया करूंगी। अपने पोते और पोती की बातें सुनकर वो बूढ़ी चिड़िया तो बहुत खुश थी। अच्छा मेरी पोती अब मुझे माफ कर दो जो मैंने तुम्हें कहा। मुझे नहीं पता था कि मेरी पोती इतनी बुद्धिमान होगी। मैं अब अपनी पोती को भी अपने पोते की तरह ही प्यार करूंगी। पहले दोस्ती करो दादो मुझसे, फिर ही भूलूंगी मैं वो सारी बातें। मुझे तो और भी बातें याद हैं। दोस्ती पक्की दोस्ती, मुझे तो तुम पर बहुत प्यार आ रहा है मेरी छोटी सी लाडो। और फिर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया भी आ जाते हैं। क्या कर रहे हैं मेरे छोटे छोटे बच्चे? मम्मा मम्मा मेरी और दादो की दोस्ती हो गई है, अब दादो मुझे बुरा नहीं कहेंगी। अच्छा क्या सच में? बेटी मेरी इस पोती ने तो चंद लम्हों में ही मेरा दिल जीत लिया है, मुझे आप ही माफ कर दें, मैंने आपको भी बहुत बुरा कहा। माँ जी आप हम सबकी माँ हैं, बस आप खुश रहें। फिर वो सब खुश खुश रहते हैं। कव्वे भैया मौसम काफी ज्यादा ठंडा हो गया है और शायद कल से बर्फबारी भी शुरू हो जाए। हम सब पक्षी इसलिए कल इकट्ठे हुए थे, प्रवास करने की सलाह करनी थी, लेकिन आप आए ही नहीं। आप हमेशा अकेले ही रहते हो, कभी किसी से दोस्ती नहीं करते, किसी के साथ बना कर नहीं रखते। ऐसे अकेले जीना बहुत मुश्किल है, पता नहीं आप अकेले कैसे रह लेते हो। चिड़िया बात ये है कि मैं तुम सबसे ज्यादा अकलमंद हूँ, तुम सबसे बड़ा हूँ, मुझे अपने अच्छे और बुरे की खूब पहचान है। तो मुझे आए रोज कोई ना कोई भाषण देने ना आ जाया करो, जाओ और अपना काम करो और मुझे सोने दो। नहीं कव्वे भैया मैं आपको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती, क्योंकि हम सब पक्षियों ने सलाह की है कि हम कल सुबह ही परावास कर जाएंगे पूर्व वाले जंगल की तरफ। पूर्व की तरफ जाना है हमें, बड़े जंगल में, वहाँ का मौसम बिल्कुल ठीक है, हम 3 महीने वहाँ गुजारेंगे। मेरी बात मान जाओ और हमारे साथ चलो। एक बार कहो या 100 बार मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। और ऐसे रानो चिड़िया नाराज होकर वहाँ से चली जाती है।
छोटी और कमजोर चिड़िया, इसे क्या पता मैं कितना ताकतवर हूँ और मेरे पंख कितने सख्त हैं। भला मुझ पर क्या असर होगा इस ठंडे मौसम का। कौवा बहुत घमंडी था। वो ऐसा कहते हुए मुस्कुराता है। कल हम सब सुबह रोशनी होते ही यहाँ से चले जाएंगे। सब पक्षी इस बड़े पेड़ पर इकट्ठे हो जाएं। सुबह हम यहाँ से ही अपने सफर की शुरुआत करेंगे। और हाँ, कोई भी पक्षी ज्यादा देर ना करे, हमें सुबह सवेरे ही निकलना होगा। कालू कौवा नहीं जाएगा क्या? वो कल सलाह करने भी नहीं आया था। मैं गई थी उसकी तरफ आज, वहीं से आ रही हूँ। मैंने बहुत उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वो नहीं माना। वो कह रहा था, आप सब जाओ, मैं नहीं जाऊँगा तुम्हारे साथ। ये कालू भी पागल हो गया है, कैसे जी पाएगा बर्फबारी में? वो तो दो दिन भी जिंदा नहीं रह सकेगा अगर बर्फबारी शुरू हो गई तो। लेकिन हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। और फिर सब पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। तुम मेरे पास आ जाओ, बस आज की ही रात है, हम सुबह होते ही गर्म इलाके की तरफ चले जाएंगे। माँ, क्या हर साल हम प्रवास करते हैं? हाँ मेरे बेटे, हम पक्षियों का कोई एक ठिकाना नहीं होता। हमें जिंदा रहने के लिए हालात और मौसम के मुताबिक सफर करना ही होता है। और वो ऐसे बातें करते करते सो जाते हैं। सुबह होते ही सब पक्षी तय की हुई जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। सबने साथ साथ उड़ना है। किसी भी पक्षी ने कोई भी खाने की चीज देखकर साथ छोड़कर नहीं जाना। यहाँ भी पड़ाव करेंगे, सब इकट्ठे ही करेंगे। और ऐसे फिर सब पक्षी अपना सफर शुरू करते हैं। कितना मजा आ रहा है, आज तो जंगल में कोई शोर नहीं है। ऐसा लग रहा है ये सारा जंगल मेरा है। मैं कहीं भी जा सकता हूँ, किसी भी पेड़ पर बैठ सकता हूँ। मेरा क्या बिगाड़ेगी ये सर्दी, मैं रात के समय तो घोंसले में ही रहूँगा। चिड़िया तो पागल है। ऐसे ही शाम हो जाती है और आसमान से हल्की हल्की बर्फ की बूंदें गिरना शुरू हो जाती हैं। वाह, मजा आ गया। कैसे सफेद आसमान है। ये बर्फ तो ऐसे लग रहा है जैसे नरम नरम कपास आसमान से गिर रही हो। सब पक्षी थोड़ा आराम करने के लिए एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। रानो चिड़िया, मानो ना मानो, मुझे ऐसा लग रहा है हम रास्ते से भटक गए हैं। वो वाले पहाड़ तो कभी पहले नहीं देखे मैंने। तोते भैया, मैं भी यही सोच रही थी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हमें अपनी दिशा बदलनी होगी। अब हमें दूसरी दिशा में उड़ान लेना होगी। और वो सब पक्षी दूसरी दिशा में उड़ते हैं। सूरज की रोशनी बहुत ही थोड़ी रह गई थी। वो सब पक्षी उड़ते उड़ते थक गए थे। रानो चिड़िया, हमें नीचे उतरना होगा। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा, हम यही पड़ाव करते हैं। और फिर वो एक पेड़ पर उतरते हैं। हम अपनी दिशा से मुकम्मल भटक चुके हैं, अब हमें ज्ञान से काम लेना होगा। ये क्या हो गया हमारे साथ, अब तो शायद हम मर जाएंगे। हम कैसे इस अजनबी जंगल में जी पाएंगे। ऐसी बातें नहीं करते बुलबुल, जब भी कोई मुश्किल समय हो तो हिम्मत से काम लेते हैं। अपने दिमाग को रिलैक्स करो, अब घबराने से कुछ नहीं होगा। हमें रात यहीं गुजारना होगी। मैं और तोता खाने के लिए कुछ बंदोबस्त करते हैं, लेकिन आप में से कोई भी पक्षी अपनी जगह से नहीं उड़ेगा। आप तसल्ली रखो, हम बड़े हैं तुम सबसे, हमारे होते हुए आपको घबराने की जरूरत नहीं। और फिर ऐसे तोता और चिड़िया सब पक्षियों के लिए कुछ ना कुछ ढूंढने निकल जाते हैं। उधर कालू कौवा ठंडे मौसम के मजे ले रहा था कि वहाँ एक पक्षी आ जाता है। कौन हो तुम और इधर क्या कर रहे हो? कौवे, हमारा झुंड पीछे आ रहा है। मैंने थोड़ा पहले उड़ान ली थी ताकि अपने साथियों को मौसम से आगाह कर सकूं। हम गर्म इलाके से आए हैं, हम यहाँ चंद दिन रहेंगे क्योंकि हम गर्म इलाके में नहीं रह सकते। यहाँ का मौसम काफी ठंडा है, हमारे परिवार को ठंड की जरूरत होती है, हम इसलिए यहाँ आए हैं। लेकिन कौवे भैया, आप तो यहाँ मर जाओगे, आपके जंगल के तो तमाम पक्षी परवास कर गए हैं, आप क्यों नहीं गए? क्योंकि मैं उन जैसा कमजोर नहीं हूँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ। नहीं कौवे भैया, आज दिन में रोशनी थोड़ी ज्यादा थी और ये इस बात का संकेत है कि आज रात बहुत ज्यादा बर्फबारी होने वाली है। जाओ और यहाँ से भाग जाओ, हर कोई मुझे ही भाषण देने आ जाता है, सबको मेरी ही चिंता है। और वह पक्षी वहाँ से उड़कर पास वाले पेड़ पर बैठ जाता है। रात गहरी हो रही थी और फिर ठंड तो थी ही, साथ हवा भी शुरू हो गई थी जिसने ठंड में और इजाफा कर दिया था। कौवा पहले तो एंजॉय करता रहा, लेकिन अब ठंड उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। इसका दिमाग काम छोड़ चुका था। उसने अपने शरीर को गर्म रखने के लिए अपने पंखों को फड़फड़ाना चाहा, तो उसके पंख हरकत नहीं कर रहे थे। शायद कालू कौवे के पंख
शदीद सर्दी की वजह से जम चुके थे और कौवा बेबस होकर कांपने लगता है। पास में बैठा ठंड का पक्षी ये सब देख रहा था और वो जल्दी से इसके पास आता है। कौवा तो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। वो पक्षी जल्दी से कौवे के ऊपर बैठ जाता है और अपने शरीर की गर्मी से कौवे को गर्म रखने की कोशिश करता है। ऐसा करने से कौवे को थोड़ा सुकून मिलता है। ऐसे ही रात गुजर जाती है। मैं जिंदा हूँ, मुझे तो विश्वास नहीं आ रहा। तुम जिंदा हो कव्वे भैया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम ना होते तो शायद आज की रात मेरी आखिरी रात होती। मुझे वापस जाना है आज अपने परिवार को बताने कि यहाँ बर्फबारी शुरू हो चुकी है। हम कल यहाँ आ जाएंगे। लेकिन कव्वे भैया, आप यहाँ से चले जाओ। हम ठंडे मौसम के बारे में अच्छे से जानते हैं और मेरा अनुभव बता रहा है कि आज रात बारिश भी आने वाली है और तेज हवा भी। हाँ अजनबी पक्षी, मुझे अंदाजा हो गया है कि मुझे सब पक्षियों की बात मान लेनी चाहिए थी। मैंने जिद करके अपनी जान को खतरे में डाला। मुझे रास्ते का अच्छे से पता है और हमारे जंगल के पक्षी भी अभी रास्ते में ही होंगे। मैं इन्हें ढूंढ लूंगा। तुम्हारा फिर से धन्यवाद। और कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा बहुत तेज उड़ता है। उड़ते उड़ते उसकी नजर नीचे बैठे पक्षियों पर पड़ती है और वह जल्दी से वहाँ उतरता है और छुपकर सब पक्षियों को हैरान कर देता है। सरप्राइज! और सब पक्षी कौवे को अचानक से देखकर हैरान हो जाते हैं। कौवे भैया, अच्छा ही हुआ आप आ गए। हम तो दिशा से भटक गए थे कल शाम से और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस दिशा में जाएं। फिर हम यहीं बैठ गए। लेकिन कालू, तुम सुनाओ, रात कैसी गुजरी? मैंने तुम्हारी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की। और फिर कौवा उन्हें सारी बात बताता है कि कैसे रात तेज हवा चली और फिर कैसे अजनबी पक्षी ने इसकी जान बचाई। कौवे भैया, हमने भी रात बहुत डरते डरते गुजारी है। आपने बहुत अच्छा फैसला किया। जो यहाँ बैठ गए वो सामने जो पहाड़ हैं उनके पीछे उल्लू रहते हैं। अगर आप उधर चले जाते तो वो किसी को ना छोड़ते। बहुत जालिम है वो। अब सब पक्षी बहुत खुश थे क्योंकि कालू जंगल के तमाम रास्ते जानता था और कालू कौवा भी बहुत खुश था कि उसकी जान बच गई थी। और फिर ऐसे सब पक्षी खुशी खुशी अपना सफर शुरू करते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें जिंदगी में एक दूसरे की मदद की जरूरत होती है। जिंदगी कभी भी अकेले नहीं गुजारी जा सकती।